अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर्स में आज लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 13 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्डिहाइड फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स, इसके आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये चेन अल्डिहाइड है। तो देखिए जी, प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप, इस ग्रुप की मौजूदगी, या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं CHO, तो प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप एट द एंड्स ऑफ कार्बन चेन, कार्बन के चेन के सिरे पर अल्डिहाइड ग्रुप की मौजूदगी। जैसे देखिए जी, ये कार्बन का एक चेन हो, अब अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन के चेन के हमेशा सिरे पर होगा, ये जहन में रखना, ठीक है, या इस सिरे पर होगा या हो सकता है इस सिरे पर मौजूद हो। नेम्स एंड इन अल, और इनके नाम के आखिर में अल आएगा, जिसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। नोट, दिस ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन, ये ग्रुप हमेशा चेन के सिरे पर होगा, therefore no need to show its number, इसलिए इसके नंबर को जाहिर नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ, अगर ये ग्रुप कोने पर है, कार्बन वन पर है, तो हम वन अल इसको नहीं लिखेंगे, यानी इसके नंबर को हम जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मालूम बात है कि ये कोने पर है। बट नंबरिंग ऑफ चेन विल स्टार्ट फ्रॉम सेम ग्रुप, लेकिन नंबरिंग जो चेन का है वो अल्डिहाइड ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए रूल्स की तरफ। सेलेक्ट, नंबर वन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन अल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कार्बन के उसके चेन को जिसमें अल्डिहाइड हो, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम अल्डिहाइड ग्रुप, और नंबरिंग अल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख लें, ठीक है, ये कार्बन का एक चेन है, अब इसमें नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, 1, 2, 3, सही। और इस ग्रुप को देखिए जी, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा नंबरिंग वहाँ से करेंगे, ठीक है। नंबर 3, स्टेम नेम और बेस नेम एंड जिन अल, स्टेम नेम और बेस नेम के आखिर में अल आएगा, ठीक है। तो चलिए जी एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे इस ग्रुप को आप देख लें, ठीक है, इस ग्रुप को आप देख लीजिए, पहला इसमें तीन कार्बन है, 1, 2, 3, कार्बन वन अल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा, ठीक। तो कुल कितने कार्बन हुए, तीन कार्बन हुए, सही। और तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, क्या कहते हैं इसको, प्रोपेन, सही। और हमने कहा कि अल्डिहाइड जब हो तो आखिर में अल लगा देंगे, तो ये होगा प्रोपानल। और मैं ये बताना चाह रहा था, अब चूंकि कार्बन वन पे एल्डिहाइड है तो वन प्रोपानल इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मालूम बात है कि ये कोने पर मौजूद है, इसलिए सिर्फ इसको प्रोपानल लिखेंगे, ठीक। चले जी सेकंड पर चलते हैं। अब सेकंड में 1, 2, 3, ये 4 नहीं होगा, ये जहन में रखना, ठीक है, क्योंकि आप अब इधर आप देख लें, यहाँ दो कार्बन है, और इस ग्रुप को खोलने से चेन की लंबाई में इजाफा हो सकता है, इसलिए पहले हम इस ग्रुप को खोलेंगे, चेन की लंबाई में इजाफा करेंगे, बाद में नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ ऊपर वाला, इसके बाद CH2, फिर ये वाला CH, फिर ये वाला CH3, और जो नीचे वाला ग्रुप है इसको हम खोलेंगे, ठीक है, ये दो कार्बन है, तो CH2 और CH5। अब जब ये कर लिया, इसके बाद नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कुल 5 कार्बन हुए, ठीक है। और कार्बन नंबर 3 पर आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखेंगे 3-methyl, ठीक है, ये 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो कार्बन 3 पर मिथाइल है, 3-methyl, और कुल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंटेन, और आखिर में एल्डिहाइड की वजह से लगा देंगे अल, तो ये हो जाएगा पेंटानल, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में पहले चेन को खोलेंगे, इसको
ओपन करेंगे, बाद में हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब ये CH3 तीन दफ़ा है इस कार्बन पर, इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है ये, ठीक है, इस पे CH3 तीन बार है। तो पहले इसको हम लिखेंगे, ये CH3, CH3 और CH3 तीन बार, फिर उसके बाद CH2 दो मरतबा लिखेंगे, CH2, CH2 और फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि पुराने रूल्स भी आपके जहन में रहें, ठीक है। तो ये जब हमने खोल लिया, इसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, ठीक। अब आप देखिए कार्बन नंबर 4 पर आपको दो एल्डिहाइड नज़र, दो मिथाइल नज़र आ रहे हैं। कार्बन 4 पे एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, ठीक है। तो इसका नाम दो दफ़ा लिखेंगे, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl। कुल कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 को पेंटा कहते हैं और आखिर में नल लगा देंगे, तो पेंटा नल, 4,4-dimethyl पेंटा नल, ठीक। अब इस एग्जांपल की तरफ आ जाए, सिंपल सा है, ठीक है। नंबरिंग सबसे पहले करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है, नंबरिंग एल्डिहाइड से होगा, लेकिन यहाँ देखना इसमें आपको एक डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब भी डबल बॉन्ड किसी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए तो बेसिक नाम हम डबल बॉन्ड के लिहाज से रखेंगे, बेसिक नेम हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के लिहाज से रखेंगे और डबल बॉन्ड का नंबर भी शो करेंगे, यहाँ देखना। अच्छा जी, इफ देयर इज डबल बॉन्ड, ये रूल नंबर 6 को आप देखना, ठीक है। इफ देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन एल्डिहाइड चेन, अगर एल्डिहाइड के चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, देन देयर पोजिशन विल बी शोन, तो उनकी पोजिशन को भी शो करेंगे, यानी जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन का नंबर भी लिखेंगे। एंड दे चेंज द नेम ऑफ एल्डिहाइड बेस नेम टू, और वो जो एल्डिहाइड का नाम होगा उसको भी चेंज करेंगे। क्या मतलब है, अब देखिए जी, ये कार्बन 3 पर डबल बॉन्ड है तो इसका नंबर भी शो करेंगे 3, और कुल कितने कार्बन है, 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पेंटीन, क्या लिखेंगे, पेंटीन, 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटीन। अब इन क्यों लगा दिया, डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है, और आखिर में अल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3-pentenal, सही, क्या हो जाएगा, 3-pentenal, यानी ये जो जगह आपको है ये डबल बॉन्ड की वजह से इन लग रहे, वरना ये पेंटानल होता, ठीक है, तो 3-pentenal। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, CHO ट्वाइस, इसका मतलब है दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको खोलेंगे, यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है और एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। तो दो एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दो एल्डिहाइड ग्रुप्स से इसका सिंबल, इसका नाम होगा ईथेन। इसके लिए ये रूल देख लें, का रूल नंबर 5, इफ दिस ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बोथ एंड्स ऑफ चैन, अगर ये ग्रुप मौजूद हो दोनों सिरों पर चैन के, देन द टर्म डायल विल बी यूज्ड, तो फिर हम लफ्ज़ डायल यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1, 2 दोनों पर मौजूद है, ठीक है। तो ये दो कार्बन है, दो को हम कहेंगे ईथेन सिंपली, और डाईअल यानी दो एल्डिहाइड, डाईअल दो एल्डिहाइड है, ईथेन दो कार्बन है, ठीक है, ईथेन डाईअल। इसके बाद हम चलते हैं जी नेम टू स्ट्रक्चर की तरफ, नेम लिखा होगा, स्ट्रक्चर्स हमने करने होंगे ड्रा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ब्यूटानल, ठीक है। अब ब्यूटा का मतलब है चार कार्बन, अल का मतलब है उसमें एल्डिहाइड होगा किसी भी सिरे पर, ठीक है। तो पहले चार कार्बन ड्रा करेंगे और किसी भी सिरे पर एल्डिहाइड ग्रुप को लगा देंगे और बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH3, ठीक है। तो ये हुआ ब्यूटानल, ठीक है। इसके बाद है 2, 3, 4 ट्राईमिथाइल हेक्सानल। अब हेक्सान का मतलब ये है कि पहले कार्बन 6 कार्बन ड्रा करेंगे, क्योंकि हेक्सान 6 कार्बन को कहते हैं। अब अल का मतलब है इसके एक सिरे पर एल्डिहाइड भी मौजूद होगा, चाहे इधर बना ले चाहे इधर बना ले, ठीक है,
अब जहां एल्डिहाइड मौजूद होगा नंबरिंग हम वहीं से करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब नंबरिंग इसकी कर ली, ठीक है, इसके बाद देखना जी, कहता है 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल, यानी कार्बन 2 पे, 3 पे, 4 पे 3 मिथाइल है। तो कार्बन 2 पे, कार्बन 3 पे और कार्बन 4 पे, ठीक है, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सानल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पेंटेन डाइअल। अब पेंटेन का मतलब ये होता है कि 5 कार्बन। पेंटेन का क्या मतलब है? 5 कार्बन। तो पहले ड्रा करेंगे 5 कार्बन, डाइअल 2 अल्डिहाइड। डाइअल का क्या मतलब है? 2 अल्डिहाइड। तो एक अल्डिहाइड यहाँ पर आएगा और एक अल्डिहाइड दूसरे सिरे पर, बाकी की आपने करनी है वैलेंसी को कंप्लीट, ठीक है। तो ये हुआ पेंटेन डाइअल, ठीक है। उसके बाद है 2-ब्यूटानल, टू ब्यूटीन। अब देखना ब्यूटीन है, सही है। तो पहले ब्यूटीन का मतलब, ब्यूटीन 4 कार्बन को कहते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो 2-ब्यूटीन यानी कार्बन 2 पर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हुआ 2-ब्यूटीन। और अल, अल का मतलब है एक सिरे पर अल्डिहाइड होगा। तो अब जहाँ पर अल्डिहाइड होगा उसको हम कार्बन 1 बोलेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। तो ये हुआ 2-ब्यूटीनल, यानी 2 पे डबल बॉन्ड के साथ और कुल 4 कार्बन है, ठीक है। बाकी की इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है ऑलरेडी, सही। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो एग्जांपल है वो है 3-एप्टाइनल। एप्टा कहते हैं 7 कार्बन को। तो पहले ड्रा करेंगे 7 कार्बन, ठीक, ये हुए ड्रा 7 कार्बन। अब एप्टाइन, आयन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में आता है, तो ये कह रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 पर है, सही। तो कार्बन 3 पर हम बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड और फिर हम बना देंगे एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ और नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 3-एप्टाइनल, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3-हेप्टाइन हुआ और अल, अल्डिहाइड भी मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2,6-डाइक्लोरो-4-ऑक्टीनल। अब सबसे पहले हम ऑक्टीन को देखेंगे। ऑक्टीन का मतलब है कि 8 कार्बन ड्रा करने होंगे, ठीक है, 8 कार्बन ड्रा करने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और कह रहा है कि ऑक्टीनल, सही। अब ऑक्टीन, अब देखना इन आया, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, यानी अगर हम एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप बना दें तो उसके बाद 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, 4-ऑक्टीन, ये 4 पर डबल बॉन्ड, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबरिंग हो गई। इसके बाद मज़ीद इसके अंदर जो है 2,6 पे 2 क्लोरो है, ठीक है, 2,6 पे 2.5 क्लोरो, यानी कार्बन 2 पे भी 1 क्लोरो लगा हुआ है और उसके बाद कार्बन नंबर 6 पर भी 1 क्लोरो लगा हुआ है। तो 2,6-डाइक्लोरो-ऑक्टीनल, ठीक है, ऑक्टीनल, क्योंकि 4 पर डबल बॉन्ड है तो ऑक्टीन हुआ और अल, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, जहाँ कंप्लीट नहीं हो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर कंप्लीट है, सही। चलिए जी ये हुआ। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे पहले हम डिस्कस करते आए थे कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अपने कॉमन नेम के बजाय अपने आयुपैक नेम के बजाय अपने कॉमन नेम से ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हम लिख लेते हैं। पहला लिखते हैं
एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इसका आयुपैक नेम होगा मीथानल, क्योंकि एक कार्बन एक को मीथेन कहते हैं, तो आखिर में अल लगा देंगे, मीथानल। लेकिन इसका जो ज़्यादा कॉमन नेम मशहूर है वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या मशहूर है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। सेकंडली ये सी एच थ्री, फिर उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका नाम तो होगा ईथानल, क्योंकि दो कार्बन है जिसको हम ईथेन कहते हैं और आखिर में एल्डिहाइड की वजह से अल आएगा, ईथानल। लेकिन इसका जो मशहूर है ज़्यादा नाम वो है एसीटल्डिहाइड। ज़्यादा मशहूर नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड, ठीक। उसके बाद कार्बन थ्री कार्बन वाला एक हमारे पास एल्डिहाइड है जिसको हम कहते हैं प्रोपानल, जिसको सिंपली हम क्या कहते हैं? प्रोपानल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर है वो है प्रोप्यूनल्डिहाइड। क्या है? प्रोप्यूनल्डिहाइड, ठीक। और इसके बाद एक दो एग्जांपल्स चलिए और बना कर लेते हैं। तो इसके बाद चार कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड हो तो उसको आयुपैक में तो हम कहेंगे ब्यूटानल, सही, ब्यूटानल। लेकिन कॉमन नेम जो इसका ज़्यादा मशहूर है वो है ब्यूटरल्डिहाइड, ठीक है। वो क्या है? ब्यूटरल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। तो बस मेरे ख़्याल इतना ही काफ़ी है आज के टॉपिक में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। तो कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो जो आप हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।